नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाने जाएंगे गूगल फॉर्म की मदद से कैसे आप एक टेस्ट पेपर बना सकते हैं, सीसी एग्ज़ाम बना सकते हैं, आप असाइनमेंट ले सकते हैं। छोटा सा क्विज हम आपको बना के दिखाएंगे, कैसे उसमें नंबरिंग दी जाती है, कैसे ग्रेड आता है, कैसे स्टूडेंट उसको सबमिट करने के बाद अपने आंसर को जो है वहीं पर तुरंत देख पाएगा। आइए हम आपको इसका एक छोटा सा डेमो बनाकर दिखाएंगे। हम जाएंगे दोस्तों गूगल फॉर्म पर। गूगल फॉर्म हम यहाँ गूगल में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जो है हमें जाना है, ये लिखा है फ्री ऑनलाइन सर्वे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से आ गया है पर्सनल और बिजनेस। हमें पर्सनल पर जाना है और गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म हमारे आगे ओपन हो जाएगा। ये लिखा गया है एंटाइटल फॉर्म, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्विज, ये हमने नाम दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन ऐड करेंगे, अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की कैपिटल। हम यहाँ पर आंसर ऑप्शन में लिख देंगे मुंबई। नेक्स्ट हम लिख देंगे दिल्ली। नेक्स्ट हम लिख देंगे चेन्नई। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे पंजाब, हमने लिख दिया है। अब इसको नीचे से मैंडेटरी कर देते हैं। यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन पहले पे जाएंगे, हम यहाँ लिख देंगे धोनी, सेकंड पे लिख देंगे विराट, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर अश्विन, ये हमने अश्विन लिख दिया है। यहाँ पर हम लिख देंगे रोहित, ये हमने ऑप्शंस लिख दिए हैं दोस्तों। अब ये दो हमारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसे हमें टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है क्विज में। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो मेरे फ़ोटो के पास में तीन डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर जो लिखा है आप यहाँ से कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस कर लेंगे स्टूडेंट के। आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट जो है एक स्टूडेंट एक आईडी पर दे पाए और दूसरा टेस्ट ना दे, तो आप यहाँ लिमिट लगा देंगे एक रिस्पांस की। सिंगल आईडी से आप एक रिस्पांस यहाँ ले सकते हैं। आपको ऊपर जनरल दिख रहा है, यहाँ प्रेजेंटेशन आ रहा है। प्रेजेंटेशन के बाद आ रहा होगा यहाँ पर क्विजेस। आप क्विजेस पर जाएंगे, यहाँ पर मेक दिस अ क्विज, इस ये जो डिसेबल है बटन, इसको हमें इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद नीचे लिखा रहा है इमीडिएट आफ्टर ईच समिशन, जैसे ही समिशन स्टूडेंट करेगा उसको वहाँ पर उसके आंसर्स जो है उसका ग्रेड रिलीज हो जाएगा। अगर वह नीचे कोई क्वेश्चन को मिस कर देता है तो मिस्ड क्वेश्चन वहाँ पर उसको एरर आ जाएगा, करेक्ट आंसर उसको वहाँ देखने मिलेगा और उसे उसके वहाँ पर नंबर देखने मिलेंगे। हम ये करने के बाद दोस्तों ऊपर इसको सेव करने वाले हैं, ये हमने सेव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया जो पहला क्वेश्चन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर एक आपको चेक बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये यहाँ टोटल पॉइंट्स जो लिखा है आपको राइट टॉप में जीरो, यहाँ पर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप कितने नंबर का बनाना चाहते हैं। ये हमने क्लिक करा, मैं इसको 5 नंबर का इसको क्वेश्चन बना रहा हूँ। सही आंसर हमें यहाँ क्लिक करना है, कैपिटल ऑफ इंडिया हमने दिल्ली लिख दिया है और हम यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। ये हमने इसका आंसर यहाँ पर लगा दिया है। सेम नेक्स्ट हम लगाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ पर हम जाएंगे नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम 5 नंबर का बना देंगे। आंसर में हम विराट पर क्लिक करने के बाद इसको डन कर देंगे। दोस्तों ये हमारा एक टेस्ट पेपर कह सकते हैं क्विज बन गया है दो क्वेश्चंस का। इसमें आप चाहें तो यहाँ ऊपर जाकर जो आपको सेंड बटन के पास में दिख रहा है थीम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक फ़ोटो भी ऊपर लगा सकते हैं हेडर में। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी है, ये फ़ोटो लगाने के बाद हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप जो है इसको एक कलर भी दे दिया है हमने, ये बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी नेम या क्लास लेना चाहें आप वो भी उसको इजीली ऐड कर पाएंगे, यहाँ ऐड करना काफ़ी आसान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से आपको दिखेगा। हम यहाँ डॉट पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करने वाले हैं।
ये प्रीव्यू पर क्लिक किया दोस्तों, देखिए ये आपको क्विज दिख रहा है, ऊपर हमने हेडर की फ़ोटो लगाई है। क्विज ईमेल एड्रेस लेगा, आपको यहाँ आंसर देना है और देन यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आंसर स्टूडेंट को जो है वहाँ से तुरंत दिखाई देगा। आइए हम दिखाते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ईमेल एड्रेस, हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दिया है और हम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर हमें आंसर देना है कैपिटल ऑफ इंडिया, हम दिल्ली पर क्लिक कर देते हैं। कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हम विराट पर क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ से सबमिट करेंगे, जैसे ही हम दोस्तों यहाँ से सबमिट करेंगे ये कि आ गया है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप अपना स्कोर देख सकते हैं, व्यू स्कोर, नीचे ऑप्शन नहीं आया है अनदर रिस्पॉन्स को भरने का, क्योंकि हमने एक आईडी पर एक ही टेस्ट को लिया है। हम व्यू स्कोर पर जाएंगे तो हमें जो आंसर सही है और हमारे नंबर दिखेंगे। देखिए ऊपर लिखा गया है टोटल पॉइंट्स 10 में से 10, ईमेल आईडी, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दिल्ली, ये हमारे सही आंसर थे और ये हमारा फॉर्म यहाँ से फिलअप हो गया है। पीछे आते हैं दोस्तों, पीछे आने के बाद हम आपको यहाँ पर दिखाते, ये एक रिस्पॉन्स यहाँ आ गया है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स वन पर, देखिए ये रिस्पॉन्स आ गया है। अब इसकी एक्सेल शीट कैसे जनरेट करनी है ये आपको दिख रहा होगा, वन रिस्पॉन्स के आगे जो एक्सेल का मोनो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करने वाले हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें यहाँ रिस्पॉन्स का एक एक्सेल शीट का नाम देना है, तो हमने यहाँ दे दिया क्विज। क्विज के बाद हम यहाँ से क्रिएट कर, ये हमने क्रिएट कर दिया है दोस्तों। अब ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये आईडी मांग रहा है और ये यहाँ से देखिए एक्सेल शीट जनरेट हो गई है। आपकी एक्सेल शीट में क्या क्या आएगा, ईमेल एड्रेस, कितने बजे उस टेस्ट को दिया गया, ये नंबर आ गए हैं, ये करेक्ट आंसर आ गया है दोस्तों। इस तरीके से एक्सेल शीट जनरेट हो गई है। इसे आप ऊपर या तीन डॉट पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं और कई सारे काम आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आज हमने आपको टेस्ट बना के दिखाया। आप चाहते हैं इसका लिंक देना, लिंक जनरेट करना, तो आप यहाँ पर जो मेरे फोटो के पास आपको तीन डॉट दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे ही आपने ये जो जनरल करके लिया था ये सेव करने के बाद आपको जो ये तीन जो आपको एक तीर जैसा दिख रहा है जैसे हम सेंड का बटन कहते हैं, ये सेंड बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि हम सबके ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं। या मैसेज बॉक्स के पास आपको लिंक का बटन दिख रहा होगा जो कि इसकी लिंक जनरेट करेगा गूगल फॉर्म की, हमने उस पर क्लिक कर दिया है। ये लिंक आ गई है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, थोड़ा सा शॉर्टन कर देंगे, ये क्लिक कर दिया है, ये लिंक शॉर्ट हो गई है और यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर देंगे। बस इसको कॉपी करने के बाद आप जो है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी इसको भेजेंगे उसको स्टूडेंट क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद इस टेस्ट को देगा और टेस्ट देने के बाद आपका जो है असेसमेंट और ये पूरा टेस्ट इजीली गूगल फॉर्म की मदद से यहाँ से हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा टेस्ट बनाकर मैंने आपको दिखाया कैसे उसमें मार्किंग की जाती है, कैसे उसमें सही आंसर को पहले से पुट कर दिया जाता है और वह स्टूडेंट को नहीं दिखता है, जब स्टूडेंट उस फॉर्म को भर देता है तब वह इसको देख पाता है। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे आप एक टेस्ट में जो है टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी टेस्ट को 10 मिनट का बना सकते थे, 15 मिनट का बना सकते थे, एक टाइमर वहाँ पर चलता और टाइम ख़त्म होने के बाद जो है फॉर्म वहाँ से इनएक्टिव हो जाता और फॉर्म वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल हो जाता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।